वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, और जो ठीक नहीं है वो जल्दी से हो जाए ठीक, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर दें सब्सक्राइब और अपना प्यार शो करें, कमेंट सेक्शन में आए कमेंट्स करें। तो आज मेरे किचन में जो है वो बन रही है फ्राइज़। फ्राइज़ लवर हैं हम लोग सब, बच्चे भी और बड़े भी। तो वो कहते हैं ना, हल्की हल्की भूख में हल्का फुल्का टक, लेकिन अभी हम हल्की फुल्की भूख में जो है वो फ्राइज़ खाएंगे, टक नहीं खाएंगे। टक हमने सुबह खा लिया था, तो यहाँ पर मैं बेसन वाली फ्राइज़ बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने बेसन को जो है वो बना लिया है, उसका जो है वो मैंने मतलब कि इसको पानी नमक मिर्च सब कुछ डाल के बैटर, और ये अभी दो आलू काटने वाले हैं, इनको गोल गोल काटूंगी मियाँ के लिए। और यहाँ पर जी ऑयल हो रहा है हमारा गरम, और गर्मा गर्म फ्राइज़ जो है वो हम डालेंगे इसके अंदर, ऑयल के अंदर। अभी इसको थोड़ा सा बेसिंग बोल रही हूँ, सॉरी, बेसन की करते हैं कोटिंग, और फिर डालते हैं इसको फ्राई पैन के अंदर। बाकी आप लोग सुनाए कैसे हैं, वीकेंड कैसा जा रहा है? वीकेंड की इतनी खुशी होती है, यकीन माने कि मुझे अपने ज़माने में भी जब मैं स्कूल कॉलेज पढ़ती थी इतनी खुशी नहीं होती थी जितनी मुझे आजकल वीकेंड की होती है, और जितना मुझे वीकेंड का इंतज़ार होता है। पूरे 5 दिन से बिल्कुल स्कूल भेज के फिर 2 दिन जो सोने का मज़ा आता है वो सोने की तो मैं वैसे ही दीवानी हूँ, लेकिन अब से बिल्कुल स्कूल भेजना होता है तो फिर सुबह सवेरे उठना पड़ता है, बिकॉज़ आई एम अ गुड मदर, तो टाइम पे भेजना होता है, इसलिए जो है वो कुर्बानी देनी पड़ती है नींद की। लेकिन ये जो 2 दिन होते हैं ये मेरे लिए बहुत अजीज़ होते हैं, इसलिए मैं मियाँ को बोल देती हूँ कि प्लीज़ इन 2 दिनों में जो है ना मुझे सोने दीजिएगा, मुझे मत उठाइएगा, क्योंकि मेरी 2 दिन नींद पूरी हो जाए। तो आज जो है वो माशाल्लाह, अच्छा मैं रिजिक्स भी तो लेती हूँ ना, मतलब हर एक दिन छोड़ के एक दिन मैं रिजिक्स टैबलेट लेती हूँ। अगर मैं ना लूँ ना तो मेरी बॉडी में जो है वो यूरिक एसिड का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो जनाब ये मसले मसाइल तो चलते रहेंगे, चलें इसको जल्दी से मिक्स करके डालते हैं ऑयल के अंदर। तो जनाब ये आलू जो है वो मेरे पास जहाँ मैंने लिया ही नहीं, वो क्या उसे बोलते हैं जो इसका स्टैंड होता है, पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं उसका नाम भूल गई। तो बस हाथ से पकड़ पकड़ के जो है ना वो फिर मोबाइल से वीडियो कैप्चर करना पड़ती है। तो अभी बंद किया था मोबाइल, अभी इसको जो है वो जल्दी से, जो मज़ा हाथों से यूं यूं करने में ना वो स्पून कांटे से नहीं आता, तो मैंने इसको अच्छी तरह से यूं यूं करके और यूं इसके अंदर डाल दिए। और अब ये 2 अदद जो आलू हैं इनको गोल काट के वो भी इसके अंदर बैटर में डालती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ यूं यूं करके। तो जो 2 अदद आलू थे उन्हें भी मैंने ऐसे ही काट लिया है, लंबा लंबा ही गोल गोल नहीं काटा मैंने, इरादा तर्क कर दिया, मैंने कहा सब सेम ही हो जाए, ठीक है ये क्या हो रहा है। हाँ जी, तो इनको जो है वो मैंने उलट पुलट कर दिया है, अब जब तक ये फ्राई होते हैं तब तक इनको निकालते हैं और फिर डालते हैं इनको। देती हूँ बहुत ही मज़ेदार जो है वो फ्राइज़ बनाने के लिए। तो जब आप बैटर बनाए ना बेसन वाला, तो इसके अंदर आप थोड़ा सा चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। चिकन पाउडर आपको कहीं से भी किसी भी अच्छी शॉप से किसी भी मार्ट से मिल जाएगा, तो वो उस इतना सा चिकन पाउडर अगर आप डाल देंगे इसके अंदर तो आप यकीन करें उसका इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। लेकिन मैंने अभी नहीं डाला क्योंकि मैं तो सिंपली बच्चों को बना के दे रही हूँ, लेकिन आप कभी मतलब कोई गेस्ट आया हो मतलब अपने हाथों का जो है वो जादू चलाने के लिए, कि बहुत ही मज़ेदार फ्राइज़ बनाई है इसने, तो आप जो है उसके अंदर चिकन पाउडर इतना सा ऐड कर सकते हैं, उससे एक अलग ही फ्लेवर आता है बहुत ज़बरदस्त है। जैसे हम लोग बाहर खाते हैं KFC वगैरह की, तो कितनी मज़े की होती हैं, हालांकि वो सिर्फ नमक वाली होती हैं, साल्टी फ्राइज़ होती हैं, लेकिन उनका टेस्ट ही अलग होता है। तो ये टिप है छोटी सी, नोट कर लें चिकन पाउडर की। ये कल मैंने अपना स्टोव जो है वो साफ़ किया था, फिर देखें ये जो ऊपर है ना ये ब्रास है, और ये ब्रास हो गया काला नमी की वजह से। कराची का जो वेदर है ना ये बहुत ही मॉइस्चराइज़र मतलब इसमें रहता है, नमी रहती है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी जो है वो जंग भी लग जाता है चीज़ों को, और जो है वो काली हो जाती है इस तरह से। तो मैंने इतना रगड़ रगड़ के इसको मांजा है ना कि मेरे नेल्स ये वाला जो है ना ये टूट गया, मेरा नाखून नाखून काले हो गए, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ जो है वो साफ़ नहीं हुई। देखें जो मैं यूज़ नहीं करती ना चूल्हे, वो वैसे के वैसे ही हैं, हालांकि ये भी काले हो गए थे, बग़ैर यूज़ किए भी काले हो गए थे, लेकिन ये जो है ना ये सेट हो गए हैं। और बाकी ये वाले जो है ना ये मांजने के बाद भी, आपके पास अगर कोई ट्रिप हो ब्रास को क्लीन करने के लिए, नॉर्मली तो यही कहते हैं कि जो बेकिंग सोडा होता है वो और नमक और विनीगर मिला के आप उसमें डालें तो ये सफ़ेद हो जाता है, लेकिन मेरा तो नहीं हुआ। मैंने तो इसके अंदर सब कुछ, बेकिंग सोडा मेरे पास नहीं था, विनीगर भी डाला इसके ऊपर, साल्ट भी, और लेमन मैक्स जो होता है ना उससे मैंने साफ़ की थी स्कॉच ब्राइट से, तो मेरा तो नहीं हुआ।
बाकी ये कि बाकी क्लीन हो गया है सारा, मैं डेली क्लीन करती हूँ, डेली खाना बनाने के बाद प्रॉपर इसे क्लीन करके मैं फिर सोती हूँ। लेकिन इसके लिए कोई टिप बताइएगा अगर किसी को पता हो कि ब्रास को जो है ना वो किस तरह से साफ़ करते हैं, क्योंकि ये ब्रास नहीं साफ़ हो रहा। किसी ने बताया था कि स्टोनिश का जो है वो स्टोव क्लीनर या मल्टीपर्पज़ क्लीनर है, उससे जो है वो बहुत अच्छा जो है वो साफ़ हो जाता है बर्नर। तो मैं सोच रही थी कि अब मैं वो लाऊं स्टोनिश वालों का, लेकिन आपके पास कोई घर? हाँ जी जनाब, तो बहुत ही मज़ेदार सी जो हैं वो फ्राइज़ जो है वो बन के तैयार हो चुकी हैं, और अब हम लोग जो है वो गर्मा गर्म इन्हें नोश करने लगे हैं। अल्लाह जो है वो सबके रिस्क में बरकत डाले और हमारे रिस्क में भी बरकत डाले। और ये आए थे हमारे नेबर से, पुलाव, मटन पुलाव आया था, साथ में रायता और प्याज था, साथ में कटा हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त मटन पुलाव। अल्लाह ताला इनके रिस्क में भी बहुत बरकत डाले। मैं तो सबके लिए दुआएं करती हूँ, कोई भी कहीं से भी कोई चीज़ आती है तो जज़ाक अल्लाह कह के उनके रिस्क के लिए पहले दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर के रिस्क में जो है वो बरकत डाले। आमीन सुम आमीन। तो काफ़ी दिन हो गए हम लोग कहीं भी नहीं आए गए थे, घर में ही थे, क्योंकि मियाँ की तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, उन्हें थोड़ा थ्रॉट इन्फेक्शन और बुखार शुखार हो रहा था काफ़ी। तो बच्चे जो है, ज़ाहिर है बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, वो थोड़ी समझते हैं कि किसी की तबीयत ठीक है या नहीं है। तो वो काफ़ी वो कह रहे थे कि नीचे लेके चलें, सारिम को तो याद था बाबा प्लीज़ मुझे नीचे लेके चलें। तो आज हम लोगों ने सोचा क्यों ना थोड़ा नीचे जो है वो शॉपिंग गैलरी का चक्कर लगाया जाए, कहीं दूर तो नहीं गए थे, नीचे ही हम लोग शॉपिंग गैलरी गए थे। तो दूध वगैरह लेना था, अंडे वगैरह लेने थे और सब्ज़ी वगैरह, तो साथ में फिर जो है वो सिबल और सारिम को जो है वो फ्राइज़ भी हमने सोचा क्यों ना जो है वो खिला दी जाए, क्योंकि इन सारिम की तो हार्ट फेवरेट है ना, डाई हार्ट फेवरेट फ्राइज़ हैं। सिबल पहले शौक से नहीं खाती थी फ्राइज़, इसे होता था कि मैं बर्गर खाऊंगी ना, तो अब यह है कि सारिम की या तो मतलब होता है ना कि बच्चों को एक दूसरे से वो होता है कंपटीशन होता है कि ये बच्चा मतलब मेरा भाई खा रहा है तो मैं भी यही खाऊंगी, तो अब इसे होता है कि सारिम फ्राइज़ अगर मंगवाएगा तो फिर मैं भी फ्राइज़ ही खाऊंगी। बट सारिम को नहीं है सिबल से कि सिबल अगर बर्गर खा रही है तो मैं चख भी लूँ, तो वो अभी तक बर्गर नहीं खाता, वो सिर्फ फ्राइज़ पे ही वो होता है कि बस मुझे फ़्राइज़ मंगवा दें, आप जो मर्ज़ी खाएँ। तो फिर जो है वो हम लोगों ने बस और कुछ तो नहीं, क्योंकि खाना वाना हम लोग खा के गए थे, तो फिर जो है वो बच्चों ने फ़्राइज़ खाई और कॉफ़ी जो है वो हम लोगों ने मंगवाई, मैंने और मेरे मियाँ ने, अच्छी कॉफ़ी थी, ज़बरदस्त टाइप की थी। वो कहते हैं ना कि घर पे जितनी मर्ज़ी आप वो हैंड बीटर से या हैंड से बना लें, लेकिन जो मज़ा मशीन की वो बीट की हुई कॉफ़ी का होता है ना, वो तो अलग ही बात है। गर्म इस कदर थी, ठंडी नहीं हो रही थी इसमें, तो फिर हम लोग जो है वो इसे ले आए साथ में कि अब घर जाके पीते हैं, यहाँ पर तो ये ख़त्म ही नहीं होगी। बाकी इतनी सी वीडियो थी, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और जिन लोगों ने अभी तक जो है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अब इजाज़त दें, चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।